फ्रेंड्स, सन अकेडमी डिफेंस गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हम जानते हैं, इंडिया में अब जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन बनाए जाएंगे और 80% ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के साथ मोस्टली ये इंजन इंडिया में ही बनेंगे। साथ ही साथ क्योंकि फ्यूचर में ये 100% TOT जा सकता है मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, तो हमारी डिपेंडेबिलिटी अमेरिका से कम हो सकती है और इस इंजन को लेकर हम सेल्फ रिलायंट हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर इसके क्या इम्प्लीकेशन होंगे ये हम समझ लेते हैं। तो ये चीज़ हम जानते हैं कि ये इंजन हमारे तेजस Mk2 AMCA TDBF में यूज़ किए जाएंगे, लेकिन यहाँ पर हम MRFA कॉम्पिटिशन को भी अगर इंक्लूड करें तो ये एडवांटेज देगा स्वीडिश साब ग्रिपिन एयरक्राफ्ट को, क्योंकि उस एयरक्राफ्ट में भी यही इंजन यूज़ हो रहा है। साथ ही साथ साब द्वारा ग्रिपिन को लेकर TOT भी ऑफर करी गई है, साथ ही साथ जो हमारे फ्यूचर प्रोग्राम्स हैं उसमें असिस्टेंस भी ऑफर किया गया है। तो पहले ये इशू हो रहा था कि साब कंप्लीट TOT ऑफर नहीं कर सकता क्योंकि जो इंजन ये यूज़ करते हैं कि अमेरिकन ओरिजिन का है, लेकिन अब जब इंजन को लेकर TOT पहले ही क्लियर हो चुका है तो अगर साब ग्रिपिन को यहाँ पर चूज किया जाता है तो ये कंप्लीट TOT के साथ इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हो पाएगी, जो कि एक्चुअली बेनिफिशियल हो सकता है क्योंकि बाकी जो कंपनीज हैं वो कंप्लीट TOT करेंगी या नहीं करेंगी उस पर काफ़ी डाउट है। रफाल को ये चीज़ लेकर कही जाती है कि रफाल की प्रोडक्शन लाइन इंडिया में शिफ्ट हो सकती है, साथ ही साथ M88 इंजन भी इंडिया में मैन्युफैक्चर किए जा सकते हैं, पर अभी उस चीज़ को लेकर क्लैरिटी नहीं है। ऑल दो देखा जाए तो रफाल हमारे लिए MRFA के अंतर्गत बेस्ट चॉइस हो सकता है क्योंकि ये एयरक्राफ्ट हम पहले से ही ऑपरेट कर रहे हैं। वहीं पर ग्रिपिन की बात करें तो ग्रिपिन के साथ एडवांटेज ये है कि ये भी यूरोपियन वेपन्स को फायर करने में सक्षम है, तो जो वेपन पैकेज रफाल के साथ आता है वो वेपन पैकेज इसके साथ भी आएगा, जिसके अंतर्गत इसके साथ मेटियोर मिसाइल तो पहले से ही इंटीग्रेटेड है। बाकी जो बची यहाँ पर मिसाइल है जिसमें स्टॉर्म शेडो या फिर स्कैल्प EG जैसी क्रूज मिसाइल्स हो गई, इनको भी बड़ी आसानी से इनसे इंटीग्रेट किया जा सकेगा। तो ग्रिपिन एक तरीके से काफी अच्छा फाइटर है, इस पर हमने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में या फिर पिंड कमेंट में शेयर कर देंगे। तो इस एयरक्राफ्ट के साइज के हिसाब से इसकी रेंज काफी डिसेंट है, पेलोड कैरिंग कैपेसिटी काफी अच्छी है और ये मॉडर्न मीडियम वेट कैटेगरी के फाइटर्स में आता है और परफॉर्मेंस में हर मामले में कंपेरेबल है। साथ ही साथ अगर हम टेक्नोलॉजिकली भी बात करें तो इसको लेकर साब द्वारा एडवांस रेडार्स पर काम किया गया है, गैलियम नाइट्राइड बेस्ड AESA रेडार इसके लिए डेवलप किया गया है। साथ ही साथ जो सेंसर पैकेज है ये भी काफी सोफिस्टिकेटेड है, बहुत ही मनोरेबल एयरक्राफ्ट है और काफी कैपेबल भी है, साथ ही साथ इसका मेंटेनेंस और ऑपरेशनल कॉस्ट भी काफी कम आता है। तो इंडियन एयरफोर्स जैसी एयरफोर्स के लिए ये प्लेटफॉर्म काफी ज्यादा कैपेबल होगा क्योंकि हमें यहाँ पर नंबर्स चाहिए, साथ ही साथ अफोर्डेबिलिटी भी देखकर चलनी है। पर ये इतना आइडियल प्लेटफॉर्म है इंडियन एयरफोर्स के रिक्वायरमेंट के हिसाब से कि इस जैसा ही एक प्लेटफॉर्म हमारे द्वारा पहले से ही डेवलप किया जा रहा है जिसे तेजस Mk2 कहा जाता है। साथ ही साथ ये एयरक्राफ्ट है तो काफी कैपेबल, लेकिन पेलोड और रेंज के मामले में ये रफाल से थोड़ा नीचे आता है। डेफिनेटली यहाँ पर प्राइस का और ऑपरेशनल कॉस्ट का भी डिफरेंस वैसे ही है, पर सवाल यहाँ पर ये उठेगा कि अगर हम सिमिलर कैटेगरी का एयरक्राफ्ट बना रहे हैं जो कि कैपेबिलिटी में इससे 20 होने वाला है तो इस प्लेटफॉर्म को प्रिक्योर करने का क्या मतलब है। तो अगर हमें बाहर से एयरक्राफ्ट इम्पोर्ट ही करने हैं और इंडिया में बनाने ही हैं तो हम ऐसा प्लेटफॉर्म क्यों ना चूज करें जो कि कैपेबिलिटी में हमें एडवांटेज ऑफर कर रहा हो और जिस प्लेटफॉर्म पे हम वर्क कर रहे हैं उससे बेटर हो। तो साब सब कुछ ऑफर करने के बावजूद और हर मामले में एक अच्छा प्लेटफॉर्म आगे रखने के बावजूद तेजस Mk2 की वजह से पीछे रह जाती है। दूसरी चीज इंजन को लेकर, डेफिनेटली यहाँ पर साब को एडवांटेज मिलेगा कि ये इंजन इंडिया में ही मैन्युफैक्चर हो रहे हैं तो कंप्लीट TOT करने में साब को बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर हम रफाल को चूज करते हैं और उसका कंप्लीट TOT और इंडिया मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो हमें वहां पर यह फायदा होगा कि जो हमारे पास पहले से 36 रफाल लिए गए हैं इनकी भी कंप्लीट मेंटेनेंस हम इंडिया में करने में सक्षम होंगे और फ्यूचर में अगर इंजन रिप्लेसमेंट चाहिए होगा तो उन इंजन को भी हम खुद ही बनाकर यहाँ पर रिप्लेस करने में भी सक्षम होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ इंडिकेशन नजर आ रहे हैं कि इंडियन नेवी भी रफाल M के साथ आगे बढ़ने वाली है, तो रफाल का इकोसिस्टम इंडिया में रहे ये और भी ज्यादा हमारे लिए जरूरी हो जाएगा। तो हम इवन यहाँ पर ये कहेंगे कि इंडियन एयरफोर्स को MRFA कॉम्पिटिशन को खत्म करके सीधे रफाल के लिए नेगोशिएशन करना चालू करना चाहिए क्योंकि जो हमारे रिक्वायरमेंट है ये अर्जेंट है और अगर हम कंपटीशन में ही पड़े रहेंगे तो अगले 5-6 साल भी कोई फैसला नहीं होने वाला है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।